उत्तर प्रदेश का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत सारी भीड़, बनारस, अयोध्या धाम, सांस्कृतिक धरोहर। बट क्या आपने कभी सोचा है, उत्तर प्रदेश में कुछ जंगल भी हैं और उनमें से एक जंगल का तो खुद का बीच भी है। ऐसे ही एक जंगल की कहानी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत भर में निर्धारित टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी को सुरक्षित रखना है। बताते हैं हमने पीलीभीत के लिए कैसे प्लान किया। इस बार हमने दिवाली की छुट्टियों का प्लान बनाया और फैमिली के साथ दिवाली मनाने के कुछ दिन बाद हम निकल लिए लखनऊ के लिए। लखनऊ से हम निकल लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए। लखनऊ से पीटीआर लगभग 260 किलोमीटर दूर है। रास्ते में गन्ने के खेत और समय समय पर आने वाले गाँव की झलक देखने को मिली। तो हम लोग पहुंच गए एंट्रेंस पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के। दिखाते हैं आपको अंदर जंगल कैसा है, सो स्टे ट्यून्ड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी एक्साइटमेंट लेवल्स बहुत बढ़ गई थी और देखते ही देखते हम आ चुके थे चूका इको टूरिज्म एंट्री गेट पर। शारदा नदी का पानी देखकर तो मजा ही आ गया। हमने अपना स्टे चूका बीच रिजॉर्ट में करवाया था, तो अब वक्त था अपने रिजॉर्ट पर पहुंचने का, जो कि जंगल के अंदर स्थित है। तो हम लोग पहुंच गए अपने स्टे पर, जिसका नाम है अरण्य कुटीर फॉरेस्ट हाउस, वन विश्राम गृह। ये है सामने, यहाँ हम रुके हुए, और उस साइड बैक वाटर्स, आई मीन डैम का पानी है शारदा रिवर का, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये एक्चुअली चूका है एरिया, इसको यहाँ का एरिया चूका बीच भी कहलाता है। जंगल के बीच रुके हुए हैं, बहुत शांति है यहाँ पे। और ये हमारे रेस्ट हाउस के पीछे का व्यू है ना शानदार। और अब हम आपको ले चल रहे हैं ट्री हट। ये सामने है ट्री हट, ऊपर जाके आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। वाह, ये है ट्री हट। अमेजिंग, यहाँ से पूरे जंगल देखिए, सामने देखिए शारदा रिवर। तो हमारे साथ हैं मिस्टर पुलकित, जो यहाँ पर पूरा मैनेज करते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो ये बताएंगे कि क्या क्या आप कैसे बुक कर सकते हो, क्या प्राइसिंग है। पुलकित जी बताइए। जैसा कि आप यहाँ पे सर आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और इस टाइम हम लोग ट्री गेट पे खड़े हैं। सामने आप देख सकते हैं शारदा सागर डैम का व्यू है, और ये जितनी भी एक्टिविटी है यहाँ पे, नाइट स्टे और इको बोटिंग सफारी हो गया, ये सब इको फॉरेस्ट कॉरपोरेशन इको टूरिज्म के द्वारा होती है, जिसके आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं www.upecotourism.in वेबसाइट पे जाके। एंड जंगल सफारी का भी आप आनंद ले सकते हैं। जब आप यहाँ इको टूरिज्म स्पॉट पे आएंगे, तो इस टाइम विंटर सीजन चल रहा है, आपको साइबेरियन बर्ड भी देखने को मिलेगी मॉर्निंग में, और टाइगर, लायपर्ड, स्लॉथ बियर, डियर की 5 वेराइटीज, और लगभग 250 अराउंड बर्ड स्पीशीज आपको काफ़ी कुछ देखने को यहाँ मिलेगा। मेरा नाम पुलकित निगम है, मैं फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ पे 5 सालों से कार्य कर रहा हूँ, और बहुत ही वंडरफुल और एडवेंचर जगह है। और कभी भी आप लोगों में से किसी को भी आना हो, आप यहाँ नंबर नोट कर सकते हैं 9773 9455 35।
आप जब चाहे कॉन्टेक्ट कर लें, जंगल सफारी, नाइट स्टे, बोटिंग सफारी, या सिर्फ अगर आपको जंगल का लुत्फ भी लेना है तो भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डे सफारी भी होती है? बिल्कुल मैम, यहाँ डे विजिटर डे विजिट की सफारी भी होती है। अगर आपको नहीं रुकना है तो आप सिर्फ घूम घूम मतलब आए और घूमे और निकल जाए। तो उसकी सफारी की बुकिंग हमको ऑनलाइन करनी पड़ेगी? उसका मैम दो मतलब दो चीजें हैं। अगर ऐसे वीकेंड पड़ रहा है तो रश काफी रहता है, तो हम लोग यही श्योरिटी देते हैं कि आप ऑनलाइन कर लीजिए। अगर ऑफलाइन में गाड़ी अवेलेबल है तो उनको प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, बहुत ही अमेजिंग जंगल है, बहुत रिच है यहाँ का फ्लोरा फौना, तो जरूर आइए और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को थोड़ा फेमस बनाइए। थैंक यू सो मच पुलकित जी। अब हम निकल रहे हैं अपनी फर्स्ट सफारी के लिए। हमारी जीप आ चुकी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में दो टाइम सफारी होती है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग सफारी आपकी स्टार्ट होती है 6:30 बजे जो की 10 बजे तक चलती है, और इवनिंग सफारी चालू होती है 2:30 बजे से सनसेट तक। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व की फेमस पक्की रोड को एक्सप्लोर करने। इस रोड की ब्यूटी ही कुछ अलग है। सीमेंटेड रोड है और साथ में नहर चल रही है, एक दो जगह वॉच टावर्स भी बने हुए हैं। और आगे बढ़ते ही सबसे पहली साइटिंग हुई क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल की। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल्स का मुख्य खाना सांप, छिपकलियां, छोटी चिड़ियां और मैमल्स और कीड़े होते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे पक्की रोड के नज़ारे उठाते हुए, और हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे जो हमें दिखने वाला था। अचानक से हमारे गाइड भैया रवि ने बोला, टाइगर टाइगर, और जिप्सी में सब अलर्ट हो गए। मैंने तो पहले ही कैमरा ऑन कर दिया था। अभी इस वक्त हम ब्लैक टाइगर साइटिंग कर रहे हैं, सामने और टाइगर साइटिंग हो रही है। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोपहर के टाइम हमें टाइग्रेस देखने को मिलेगी, क्योंकि यूजुअली टाइगर्स इस टाइम पर आराम करते हैं और सुबह या शाम को एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये टाइग्रेस बोल्ड थी और हमारी तरफ चलती आ रही थी हेड ऑन। ये आज तक की हमारी बेस्ट साइटिंग थी विथ बेस्ट लाइटिंग। हम बहुत लकी थे कि सिर्फ हमारी जिप्सी थी वहां पर और कोई नहीं। हमारे गाइड ने बताया कि ये एक यंग टाइग्रेस है और ज्यादातर इस रोड पर दिख जाती है। वो टाइग्रेस बीच बीच में साइड के पेड़ों पर जाकर अपनी टेरिटरी मार्क कर रही थी ताकि वहां कोई और ना भटक पाए। जंगल का रूल होता है कि जानवर और आपकी जिप्सी में कम से कम 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए। हमारे ड्राइवर उतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, जिप्सी को पीछे ले जा रहे थे और बंद कर रहे थे, फिर वो पास आ रही थी, फिर स्टार्ट करके पीछे ले जा रहे थे। इस टाइग्रेस ने हमें बहुत समय दिया, इसके चलते हमने उसे आंखों से भी खूब देखा और कैमरे से भी बहुत सारी वीडियोस बनाई और फोटोज लिए। ये टाइग्रेस हमारी तरफ लगभग 1 किलोमीटर तक चली होगी। ये साइटिंग हमें लगभग 20 मिनट तक हुई। दिल खुश हो गया। रवि हमारे गाइड बहुत एक्सपीरियंस थे और उन्होंने बताया कि ये बारहसिंगा ताल पर उतर जाएगी, और वैसा ही हुआ। वो थोड़ा सा रुकी और उस ताल पर झाड़ियों में चली गई। और वो टाइग्रेस उस बारहसिंगा ताल में चली गई अंदर। हम लोग वेट कर रहे हैं, शायद वो बाहर है रोड पे। लेट्स सी, वो बाहर आती नहीं आती। हमने वहां वेट किया और फिर हम आगे बढ़ गए। इस शानदार साइटिंग के बाद जीप में हम सिर्फ टाइग्रेस की ही बातें कर रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते हमें फिर से क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल दिखाई दी,
ये रिजर्व डाइवर्स लैंडस्केप, डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वेटलैंड्स को कवर करता है। पक्की रोड खत्म होते ही एक ब्रिज आता है। वहां हमने वाटर बर्ड्स देखी और पानी के पास ही पीहेंस का झुंड देखा। दूर पर एक वाइट थ्रोटेड किंगफिशर भी थी। ब्रिज को क्रॉस करके हमने दूसरा रूट पकड़ा। एक और ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम जंगल रूट के अंदर आ गए। वहां हमने देखा 3 स्पॉटेड डियर्स। ये बहुत कॉमन डियर्स हैं और इंडिया के हर जंगल में मिल जाते हैं। जंगल के रास्ते बेहद ही खूबसूरत थे क्योंकि साइड में नदी बह रही थी और पेड़ों से सूरज की रोशनी छनके आ रही थी। कभी कभी इन नदियों के किनारों पे क्रोकोडाइल्स भी दिख जाते हैं, तो हम वहां भी ध्यान दे रहे थे। तो ये बर्डिंग एरिया है, यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा दिखाई देंगे, तो कल मॉर्निंग में हम ट्राई करेंगे और आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अभी हम लोग जा रहे हैं, एक नया रूट खुला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, वो एक्सप्लोर करने के लिए। ये नया रूट तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। साल के पेड़ों से घिरा हुआ पूरा जंगल और रास्ते तो ऐसे लग रहे थे कि बस अभी कुछ आ जाएगा सामने। रवि भैया जो कि हमारे गाइड हैं, उन्होंने बताया कि इस एरिया में लेपर्ड साइटिंग हो जाती है कभी कभी, पर उनके हिसाब से इस टाइगर रिजर्व में लेपर्ड देखना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा आगे बढ़ते ही लेपर्ड तो नहीं दिखा, बट स्पॉटेड डियर्स का झुंड देखने को मिल गया। उसी जगह हमें दिखाई दी रैकेट टेल ड्रोंगो। और क्या आपको पता है कि ये चिड़िया दूसरों की आवाज निकालने में और उनका खाना चुराने में माहिर है। आगे जाकर हमें एक बड़ा सा सांबर डियर दिखाई दिया जो कि हमें देखकर कॉलिंग करने लगा। वैसे ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। के 5 बज चुके थे और धीरे धीरे सफारी खत्म होने का टाइम हो रहा था। जाते जाते हम एक वॉच टावर पर चढ़ गए और वाटर होल के पास थोड़ी बर्ड्स को कैप्चर किया। इग्रेट्स, कॉर्मोरेंट्स, डक्स और कुछ स्टॉक्स भी दिखाई दे रही थी। लौटने के समय हमने स्पॉट की वुली नेक्ड स्टॉक्स का ग्रुप। नहर पर सनसेट देखते हुए अपने स्टे पर वापस जाने लगे और इस तरह हमारी पहली सक्सेसफुल सफारी खत्म हुई। ओह वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं अपनी मॉर्निंग सफारी के लिए। सुबह सुबह का व्यू हमारे रेस्ट हाउस से कुछ ऐसा है। कल हमें बहुत ही अच्छी साइटिंग हुई थी टाइग्रेस की, जो हेड ऑन हमारी तरफ ही चल के आ रही थी। आज देखते हैं क्या क्या दिखेगा। सुबह सुबह बहुत ठंडी थी तो हमने अपने आप को पूरा पैक कर लिया था। फॉरेस्ट में सुबह सुबह फॉग की ब्यूटी बस देखने लायक ही होती है। धीरे जंगल से हम जब थोड़ा ओपन एरिया में आ रहे थे ग्रासलैंड की तरफ, तो वो सनराइज का कलर इतना अमेजिंग नजर आ रहा था कि हमारे मुंह से बस वाह ही निकल रहा था।
हमने पहले पक्की रोड को चेक किया जहाँ कल हमने टाइग्रेस देखी थी। उम्मीद इंसान की कभी खत्म नहीं होती और लालच भी। पर टाइग्रेस तो नहीं मिली, पर पेड़ों से छनती हुई ये सूरज की किरणें बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक पेड़ पर लंगूर भी बैठा मिल गया। जंगल में बहुत शांति थी, कोई कॉल भी नहीं आ रही थी। दूर एक पीकॉक रोड क्रॉस करके झाड़ियों में जा रहा था। क्या गजब का नजारा था ये। और फिर से हमने देखी ये क्रेस्टेड सरपेंट ईगल जो कि अपने को फुला के बैठी थी ठंड की वजह से। और वहीं एक पेड़ पर हमने ब्लैक हुडेड ओरियोल को भी देखा और बहुत सारी मिनीवेट्स भी थी वहां पे। और यह है काउकल, ये क्रो फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी आवाज जंगल में अलग ही फील देती है। आज इस रोड पर बहुत शांति थी तो हम चिड़ियों पे फोकस कर रहे थे। सीन्स तो बहुत मस्त थे उस रोड पर। सुबह सुबह हम उसी आस में थे कि फॉक में से कोई चलता हुआ आएगा और हमें सरप्राइज देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर हमें बीच रास्ते में दो लंगूर बैठे मिल गए। फिर हमें दिखी चेंजेबल हॉक ईगल जो कि शिकार के साथ पेड़ की ब्रांच पर बैठी थी। आगे बढ़ते रहे, मौसम थोड़ा खुलने लगा। फिर नहर के पास हमें दिखाई दी क्रेस्टेड किंगफिशर, जिसको हिमालयन किंगफिशर भी बोला जाता है। जंगल का मजा उठाते हुए हम जंगल की रोड पर आ गए और अचानक से फिर से हमारे गाइड भैया ने बोला टाइगर, और हमने तेजी से अपनी जिप्सी भगाई और थोड़ी दूर पर जाकर रुक गए। हमने थोड़ा इंतजार किया बट वो टाइगर बहुत शाय था, बाहर नहीं आया। हम वहाँ तक जिप्सी लेकर गए और वहाँ फ्रेश पग मार्क्स देखने को मिले। सफारी में अभी भी टाइम था तो हमें रवि भैया ले गए सप्त सरोवर पॉइंट। वहाँ हमने देखा बार्किंग डियर को जो कि बहुत अलर्ट था। ये देखिए नेचर का मैजिक, सन रेस फिल्टर होके आ रही हैं ट्रीज के थ्रू, लुकिंग अमेजिंग। उधर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल लिए वापस अपने स्टे के लिए। सो हम पहली सफारी के बाद हम वापस आ चुके थे 11 बजे और हमने आज भी एक टाइगर साइट किया बट लेकिन वो बहुत शाय था तो फट से अंदर झाड़ी में घुस गया। और फिर हम दूसरी रोड पे गए तो हमने एक लेपर्ड को भी क्रॉस करते हुए देखा, पिग मेल लेपर्ड, बट वो भी भाग गया तो हम उसे भी कैप्चर नहीं कर पाए। हमने आज बहुत सारी बर्ड्स देखी, बहुत सारी ईगल्स देखी डिफरेंट स्पीशीज़ की। और अब हम नहा धो के तैयार होके अब वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड द कैंपस और हम कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे एंड देन एट 2 o'clock वी अगेन हैव आवर सफारी, इवनिंग सफारी। तो लेट्स सी हमें इवनिंग में क्या दिखता है। यहाँ पे एक बोटिंग सेंटर भी है तो हम अभी वहीं जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये रास्ता जाता है नीचे पानी की ओर। चूका इको टूरिज्म बोटिंग सफारी पॉइंट, ये शारदा डैम का पानी है। यहाँ आकर आप बर्ड फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और मन किया तो बस शांति का आनंद भी ले सकते हैं। थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करने के बाद हम वापस निकल लिए क्योंकि हमारी इवनिंग सफारी का टाइम हो गया था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग पार्ट।